तो हेलो गाइस, आज की वीडियो आज आपको बताऊंगा कि यूएसडीटी वैलेट क्या होता है और इसको आपने किस तरह यूज़ करना होता है। ज़्यादातर जो लोग यूएसडीटी वैलेट यूज़ करते हैं वो TRC20 यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपके पास ओपन कर लिया, आपके सामने USDT TRC20 वैलेट आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या होता है USDT TRC20 वैलेट और इसको आपने किस तरह यूज़ करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आपका जैस कैश ईजी पैसा अकाउंट होता है, सेम उसी तरह वैलेट होता है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप पेटीएम वैलेट की या पेटीएम ऐप की एग्जांपल भी ले सकते हैं। उसमें आपको करेंसी INR या पाकिस्तानी जो इजी पे जैस कैश है, इनमें आपको PKR में करेंसी वगैरह मिल जाती है। लेकिन USDT TRC20 जो वैलेट है, इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी में मतलब के बाय और सेल करनी पड़ती है, मतलब कि पैसे सेंड करने पड़ते हैं और रिसीव करने पड़ते हैं क्रिप्टो करेंसी में। इसमें क्रिप्टो करेंसी जो यूज़ होती है USDT TRC20 में, इसमें डॉलर यूज़ होता है इस वैलेट में। ओके सर, इसमें आप डॉलर बाय और सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा वैलेट है जैस कैश ईजी पैसा की तरह। अगर मैं मतलब कि इसमें पैसे मंगवाना चाहता हूँ तो सिंपल रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे एक कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे इसके ऊपर आपने क्लिक कर दें। कॉपी एड्रेस आपका ऑप्शन आ चुका है, तो ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। ये एड्रेस आपने सेंड कर देना है जो बंदा आपको डॉलर्स भेजना चाहता है। अगर जैसा कि आप इसी पर जैस कैश में देखते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर सेंड करते हैं, उस फ़ोन नंबर पर आपको मतलब के पैसे वगैरह आ जाते हैं। तो इस वैलेट में आपने ये एड्रेस सेंड करना होता है, इसी एड्रेस पर आपको जो डॉलर होते हैं USDT TRC20 कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी वगैरह, वो इसी मतलब के एड्रेस पर आ जाती है। ये भी एक किस्म का आपका फ़ोन नंबर होता है। अगर आप फर्ज करें सेंड करना चाहते हैं, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर आपने वही एड्रेस पेस्ट कर देना है। मतलब कि किसी बंदे ने आपको एड्रेस सेंड किया कि मुझे इस एड्रेस पर $20 चाहिए, तो इस एड्रेस पर आपने $20 लिख देने हैं। नीचे वो फीस वगैरह लगा कर ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसकी फ़ीस वगैरह होती है वो आपने दे देनी है और आपका जो डॉलर वगैरह होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फीस वगैरह सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने इस वैलेट को यूज़ करना है और डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। USDT आप ट्रस्ट वैलेट मैंने ओपन किया है, तो ये देख सकते हैं बाइनेंस P2P, इसका अगेन एक और वीडियो बनाएंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब कि इसमें आप बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके सर, मतलब कि डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं इसी ट्रस्ट वैलेट ऐप में, या किसी बंदे से भी सेंड और रिसीव करवा सकते हैं। तो इस तरह आपने इस वैलेट को यूज़ करना होता है, आपको समझ भी आ गई होगी USDT वैलेट क्या होता है। ओके सर।